दोस्तों, मैं झुमा घोष, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके साथ एक फेस रेसिपी शेयर करेंगे, नवरत्न कोरमा। इसमें हम गार्लिक ऑनियन यूज नहीं करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तब जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। आइए देखते हैं हमें इस रेसिपी बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। हम सब्जी में लिए हैं आलू, फूलगोभी, बीन्स, गाजर और स्वीट कॉर्न, मटर, सभी हम एक कप करके लिए हैं, या एक बोल आप ले सकते हैं, एक बोल करके। कैप्सिकम लिए हैं, वो भी एक बोल लिए हैं। थोड़ा सा हम काजू लिए हैं, करीब 8-10 काजू, और किशमिश लिए हैं थोड़ा। हम 1/2 लीटर दूध से ये पनीर बनाए, ये होममेड पनीर है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फुल क्रीम लिए हैं 4 टेबल स्पून, 1 कप दूध लिए हैं 1 कप दूध, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ये कसूरी मेथी लिए हैं 1 टेबल स्पून, शक्कर लिए हैं 2 टेबल स्पून, ये आपके टेस्ट के अनुसार लीजिए, जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, और ये ड्राई मसाला लिए हैं, जीरा, गरम मसाला और सूखी मिर्च, 2 टेबल स्पून बटर, नमक है स्वाद अनुसार, और ये सनफ्लावर ऑयल लिए हैं करीब 4 टेबल स्पून, 2 तेज पत्ता लिए हैं, 2 पिंच करीब केसर लिए हैं, और ये धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, और ये मसाला में हम लिए हैं काजू बादाम, मगज़ दाना, किशमिश लिए हैं, ये सभी हम 2 टेबल स्पून करके लिए हैं, और अदरक लिए हैं करीब 1 इंच, 2 हरी मिर्च लिए हैं, आप आपके टेस्ट के अनुसार हरी मिर्च लीजिए। पहले हम पैन में थोड़ा पानी देंगे, करीब 1/2 लीटर पानी दिए, इसमें हम 1 टेबल स्पून शक्कर देंगे, थोड़ा बॉयल होने देंगे पानी को। पानी को अच्छी तरह से बॉयल कर लिया हाई फ्लेम में, फिर फ्लेम को हम लो करके उसके बाद आलू, फूलगोभी, गाजर और मटर, ये चारों सब्जी हम पहले दे देंगे, क्योंकि ये पकने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, करीब 2 मिनट हम इसको ढक के मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। इधर हम और एक पैन में काजू बादाम और मगज़ दाना को थोड़ा बॉईल कर लेंगे, करीब 2 मिनट बॉईल करेंगे, इससे इसका पेस्ट बहुत अच्छा तैयार होगा। इधर हम देख लेंगे, दोनों हम बॉईल कर रहे हैं, ये करीब 2 मिनट बॉईल हो चुका। अब इसमें हम बीन्स और स्वीट कॉर्न देंगे, ये स्वीट कॉर्न फ्रोजन स्वीट कॉर्न है, इसलिए हम इसे बाद में दिए, फिर हम 2 मिनट इसे उबालेंगे। मगज़ दाना और ये काजू बादाम भी बॉईल हो चुका, हम उसे ऑफ कर देंगे। ये करीब हमारा दोनों टाइम मिला के करीब 4 से 5 मिनट हम बॉईल किए, हम चेक कर लेंगे, थोड़ा करीब 1/2 से भी ज्यादा थोड़ा पक जाएगा। ये हम निकाल लिए पानी से, ये पानी आप किसी भी दाल में यूज कर सकते हैं या सब्जी में भी यूज कर सकते हैं। इधर हम मसाला तैयार कर लेंगे पहले, ये हम 2 हरी मिर्च दिए, आप चाहे तो और ज्यादा भी दे सकते हैं, और अदरक दिए, हम इसे बॉईल करके रखे थे उसी से हम थोड़ा पानी ले लिए। एक पेस्ट तैयार हो गया अदरक और हरी मिर्च का, फिर और एक पेस्ट तैयार करेंगे, मगज़ दाना, काजू बादाम जो हम बॉईल करके रखे थे वो लेंगे, और किशमिश लेंगे, ये किशमिश ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। हम एक पेस्ट तैयार कर लिए, हम पैन गरम करने के लिए बैठा चुके हैं, हम 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे, काजू बादाम हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, करीब 1 मिनट हम फ्राई किए, और फिर इसमें हम किशमिश भी डाल देंगे, दोनों मिला के थोड़ा और 1 मिनट हम फ्राई किए। ये फ्राई हो चुका, अब इसे हम निकाल लेंगे दूसरी प्लेट में। अब पनीर को भी थोड़ा फ्राई करेंगे, आप पनीर अगर आपको पसंद ना हो तो आप पनीर फ्राई नहीं भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप दे सकते हैं। ये पनीर भी हम निकाल लिए, पैन में और 1 टेबल स्पून हम तेल डालें,
और ये 2 टेबलस्पून बटर दिए। अब तेल या बटर आप आपकी पसंद से कम या ज्यादा दे सकते हैं। 2 तेज पत्ता दिए, एक सूखी मिर्च को हम थोड़ा सा चीर के उसके बाद देंगे। एक गरम मसाला हम दिए, थोड़ा दालचीनी, लौंग और 2 इलायची, थोड़ा सा जीरा 1/4 टीस्पून। थोड़ा सा हम फ्राई कर लिए, देखिए फ्राई हो चुका। अब हम ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। ये थोड़ा चिरक रहा है, इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं, तब ये फ्राई करने से नहीं चिपकेगा। कैप्सिकम हम दे दिए, इसे करीब 1 मिनट हम फ्राई कर लेंगे। ये जीरा पाउडर और धनिया पाउडर भी डाल दिए, फ्राई हो चुका देखिए मसाला। अब ये जो पेस्ट तैयार किए थे, मगजदाना, काजू बादाम, किशमिश, वो पेस्ट हम डाल देंगे। इसे भी थोड़ा मिक्स कर लेंगे, ज्यादा ये फ्राई नहीं करेंगे। अब इसमें हम 1 कप दूध दे देंगे। ये दूध हम पहले मिक्सी जार में दे दिए, मिक्सी जार को अच्छी तरह से धो के इसके बाद इसमें दे देंगे। ये बोल भी हम धो लिए जिसमें हम पेस्ट रखे थे। हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, जो भी मसाला हमारा रहेगा वो हम धो के सब्जी में डाल दिए। ये थोड़ा सा उबालने के लिए दिए, उसके बाद ये सब्जी जो बॉईल करके रखे थे वो हम मिक्स कर लेंगे। ये सब्जी में ग्रेवी जो है थोड़ा कम हम किए हैं, अगर आपको थोड़ा ज्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप और 1/2 कप दूध दे सकते हैं इसमें, 1.5 कप दूध तक आप दे सकते हैं। ये लो फ्लेम में हम 2 मिनट तक उबाल लिए, उसके बाद पनीर हम मिक्स किए, काजू बादाम और किशमिश जो हम फ्राई करके रखे थे वो दिए, 4 टेबलस्पून क्रीम डाले। अब हम नमक यूज किए, हम नमक 1 टेबलस्पून नमक दे रहे हैं, अब आपको टेस्ट के अनुसार दीजिए। थोड़ा हम शक्कर पाउडर देंगे, दाना शक्कर भी दे सकते हैं। थोड़ा सा इसे लो फ्लेम में करीब 2 मिनट तक उबालेंगे। 2 मिनट हो चुका, हम देख लेंगे थोड़ा। उसके बाद हम दूध में केसर भिगो के रखे थे, इससे इसका बहुत अच्छा कलर आएगा, वो दे देंगे। और ये गरम मसाला पाउडर, ये रोस्टेड है इसलिए हम लास्ट में दे रहे हैं। अगर आपके पास रोस्टेड गरम मसाला पाउडर नहीं हो तो आप पहले देंगे जब हम क्रीम दिए थे। कसूरी मेथी वो भी हम डाल देंगे, इसे भी आप पाउडर करके डाल सकते हैं। फिर हम फ्लेम को बंद करके 2 मिनट इसे ढक के छोड़ देंगे। 2 मिनट हो चुका, हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम सर्व करेंगे। ये हमारा तैयार हो गया नवरत्न कोरमा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।